गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नुसरत खावरा, क्लास टीचर ऑफ सीनियर के जी, एंड टुडे सब्जेक्ट इज साइंस, जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 11, वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स, सो वॉट इज वाटर एनिमल्स? वाटर एनिमल्स क्या होता है? जो पानी में रहते हैं उसे कहते हैं वाटर एनिमल्स. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उसे कहते हैं वाटर एनिमल्स. सो दीज आर सम वाटर एनिमल्स वी विल लर्न अबाउट दिस. ओके, फिश, सी हॉर्स, टॉर्टोइस, वेल, क्रोकोडाइल. सी हॉर्स, टॉर्टोइस, वेल, क्रोकोडाइल. सो दीज आर वाटर एनिमल्स. Turn your page. Animals that live in water are called water animals. जो animals पानी में रहते हैं उसे कहते हैं water animals. Okay? Fish, seahorse, tortoise, whale and crocodiles are the water animals. ये सब है ना animals, वो सब क्या है? Water animals है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं. The whale is the largest water animal. सबसे बड़ी fish कौन सी है water animals में? Whale fish. This is the largest water animals. Whale fish. Okay? The whale is the largest water animal. Next is, the crocodile has a long snout. Bags and shoes are made from the skin of crocodile. जो क्रोकोडाइल रहता है ना उसकी बहुत लॉन्ग टेल रहती है. देखा है आपने? ये देखिए, देखिए बहुत लॉन्ग टेल रहती है उसके. जो ये देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्नाउट्स. बैग्स एंड शूज आर मेड फ्रॉम स्किन ऑफ क्रोकोडाइल. जो बैग और शूज वो किससे बनते हैं? क्रोकोडाइल की स्किन से बनते हैं. ओके, सो वी विल डू क्विक एक्सरसाइज. यू हैव टू आंसर ओरली. What are the water animals? अभी मैंने आपको पढ़ाया था water animals क्या है. What are the water animals? Animals live in water are called water animals. जो animal पानी में रहते हैं उसे कहते हैं water animals. Okay? इसका आपको आंसर कैसा देना है? Animals that live in water are called water animals. ये आपको oral answer देना है. ठीक है. Next is, give the names of any two water animals. आपको कोई भी टू वाटर एनिमल्स की नेम बताना है. एक एग्जाम्पल, आप फिश है, सी हॉर्स है, टॉर्टोइस है, कोई भी टू एनिमल टू वाटर एनिमल्स की नेम्स आपको बताना है. नेक्स्ट इज, विच इज़ द लार्जेस्ट वाटर एनिमल. अभी मैंने बताया था कौन सा लार्जेस्ट वाटर एनिमल है. द वेल इज द लार्जेस्ट वाटर एनिमल. जो वेल फिश है ना वो सबसे बड़ी फिश है वाटर में. ठीक है, वेल फिश. The whale is the largest water animal. Next is, okay, color the following picture. यहाँ पे आपको दो fish दिख रही है, या fish है और ये है octopus. जो octopus भी रहता है वो भी कहाँ रहता है? पानी में रहता है. ये भी water animals है. So यहाँ पे आपको color fill करना है. You have to fill color inside, okay? यहाँ पे octopus की color है और यहाँ पे whale का color है. आपको यहाँ पे fill करना है. So student, you understand the chapter number 11, water animals? आपको समझ में आया ना वाटर एनिमल्स? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.